पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। ये देखो, ये जगह पूरे हफ्ते के लिए हमारी है। हम यहाँ के हर कमरे में अपने प्यार की निशानी छोड़ेंगे। कितने रूम्स हैं यहाँ? 10। मैं तो मर ही जाऊंगी। काफी अच्छा है ना? बहुत सुंदर है। चाबी नहीं है, शायद ऊपर होगी। माइकल। हेलो। अजीब बात है, उस आदमी ने तो कहा था कि वो चाबी बाहर रखेगा। हाँ शायद, काफी लंबा सफर था, थोड़ा आराम हो जाए। तुम्हें आराम नहीं करना है, बदमाश। मुझे पहले ये जगह देखनी है। ओह माय गॉड। ओह, लगता है कोई जल्दबाजी में चला गया। वो अभी भी यहाँ हो सकते हैं। नहीं, मुमकिन नहीं है। मैंने पूरी लॉज बुक की है। वेल, हमें एक बार देख लेना चाहिए। ओह, विक्टोरियन रूम। हेलो। हम यहां नहीं रहने वाले। क्यों? डरावना है क्या? जूलिया, जूलिया, प्लीज ऐसा मत किया करो। क्या हुआ? तुमने मुझे डरा ही दिया था। इस घर के तीनों तरफ बालकनी बनी है और यहाँ एक बाथटब भी है। चलो मेरे साथ। रेडी? हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। तड़ा। अच्छा है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। और मुझे भी तुमसे कुछ। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, बहुत पैसा। क्या तुम्हारा एक और चेक बाउंस हो गया? क्या? देखो, मुझे बता दोगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया करो। जब भी मैं पैसों की बात करती हूँ तुम्हें ऐसा ही क्यों लगता है? अच्छा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा ताकि हमारे प्यार में कमी ना आए। लव यू। तुम्हें पता है कि तुम्हें भी प्यार है? हाँ सच है, लेकिन जो भी किचन में था वो अब चला गया है, क्योंकि मैंने सब जगह देख लिया है, कोई भी नहीं दिखा। तुमने सुना? ये किस चीज की आवाज है?
तुम लोग कौन हो? देखो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा लॉज हमने बुक किया है। क्या? इस लॉज का मैनेजर कहाँ है तुम्हें पता है? हाँ मैं ही हूँ। तुम? हाँ तुम कौन हो? कहीं तुम हेनरी तो नहीं? हाँ मैं हेनरी हूँ, हेनरी हार्पर। मेरा नाम माइकल है, हमने फोन पर बात की थी। मैंने लॉज बुक किया है, याद है हमने बात की थी? ओह हाँ माफ करना, मैं कुछ मुर्गी काट रहा था गैराज में और समय का अंदाजा नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये जूलिया है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। नाइस टू मीट यू मिस्टर हार्पर। जूलिया, ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैं इसको देख लूंगा। तुम थोड़ा घूम कर आओ और मैं सफाई करता हूँ और खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। तो हेनरी, यहाँ घूमने लायक कोई जगह है क्या? थैंक यू हेनरी। यू आर वेलकम। हम कल घूमने जाने का सोच रहे हैं, कोई अच्छी जगह बताओ। आपके लिए यहाँ पर काफी सारी अच्छी जगह हैं। और सबसे अच्छी कौन सी है? नहीं, सारी जगह अच्छी हैं। आशा करता हूँ आपको खाना पसंद आएगा। आप नहीं खाएंगे? नहीं थैंक्स, अभी नहीं, कुछ काम है मुझे। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। हे, क्या आप ऊपर गए थे? हाँ। क्या आपने रूम चुन लिया? हमने तो अभी तक सामान भी नहीं लाया। मैं लेकर आता हूँ। सच में? अच्छी बात है। ओ सॉरी यार, निशाना चूक गया। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब ये जाम हम दोनों के नाम। Cheers. अच्छा है, स्ट्रॉबेरी। तुम पागल हो? नहीं। तुम हो? सच बताओ। मैं पागल नहीं हूँ माइकल, मैं तो बस आज की किकबॉक्सिंग वर्कशॉप के बारे में सोच रही थी। जूलिया कम सुनो, मैं सबसे बुरी थी क्लास में, तुम्हें पता है। जिम मुझे बताना चाहता था। और ये जिम कौन है? माय इंस्ट्रक्टर, जानते हो ना। हाँ। उन्होंने आज फ्री में वर्कशॉप की थी, बस मैं वहाँ जाना चाहती थी और यही सोच रही थी। जूलिया तुम्हारा जब भी मन करे तुम जा सकती हो, मतलब हम यहाँ इस खूबसूरत लॉज में हैं। अरे उस बहस को देखो,
तुम्हें वो भैंस अच्छी लगी? ठीक है, हमें भी एक ले लेनी चाहिए। तुम पागल हो, इसलिए तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या हो रहा है हेनरी? तुम काफी हिम्मत वाले हो। बहुत ज्यादा। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें। सिगरेट? बिल्कुल। तो ये सब तुम्हारा है? हाँ। विरासत में मिला? सॉरी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे ये विरासत में मिला है। मेरे डैड मरने के बाद मेरे लिए काफी पैसा छोड़ गए हैं। तुम अपने बारे में कुछ बताओ, क्या तुम ये पूरा लॉज एक वीकेंड के लिए बुक कर सकते हो? मैं अमीर बाप की बिगड़ी औलादों में से हूँ। मेरे डैड के पास भी काफी पैसा था, लेकिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला। अच्छा। हाँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, ड्रम्स, लेकिन ये मेरे डैड को बिल्कुल पसंद नहीं था। पता है, वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थे, यू नो। और मैं हेनरी एक ऐसे बैंड में बजाता हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं, और उसका हर एक पल मुझे खुशी देता है। लगता है जैसे तुम्हारे डैड तुमसे काफ़ी खुश होंगे। हाँ हेनरी, काश ऐसा हो पाता। मुझे शायद अपनी जिंदगी में और अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए थी, जैसे क्रिमिनल डिफेंस। पता है, ये गाने बजाने से लगता है जैसे जिंदगी में कमाई के रास्ते कम हो गए हैं। जूलिया कहाँ है? वो नहा रही है। तो तुम दोनों कहाँ घूम कर आए? हम गनेसन से आ रहे हैं। मैं कनेटिकट से हूँ, वहीं पला बढ़ा। मैं जूलिया से स्कूल में मिला था, ओएसयू। ओक्लाहोमा? नहीं, ओहायो स्टेट, जहाँ बकायज होते हैं। मैंने सब ये बहुत देखा है जब उन्होंने ये नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। बहुत ही जबरदस्त गेम थी। जूलिया मुझे वहीं मिली थी। डायमंड ट्रॉफी देखी मैंने। हाँ बिल्कुल, कितना शानदार खेल था ना वो। मुझे थोड़ी सी चढ़ी हुई थी और लोगों ने भद्दी टॉर्टिला शेप की टोपी पहनी थी, रेड और ग्रे रंग की। नशे की हालत में चिल्ला रहे थे और सब तीसरी बार में लुढ़क गए। बहुत शोर था वहाँ, सच में। और फिर मैंने जूलिया को देखा, वही भद्दी सी टोपी पहने हुए, नशे में धुत, चिल्ला रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो काफी
इमोशनल हो गई थी। हाँ शायद ऐसा ही कुछ। उस लड़की में वाकई उस खेल के लिए बहुत जुनून है। बेडरूम में भी वो, चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन जरा भी सीरियस बात करो तो भाग जाती है वो। वो कमिटमेंट से डरती है? हाँ मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बस तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेनरी डरा दिया तुम्हें। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। I'm sorry, मैं तो बस यहाँ फिशिंग पोल्स लेने आई थी। ये गैराज बहुत गंदा है, तुम्हारे कपड़े खराब हो सकते हैं। क्या ये मांस है? हाँ मुर्गी का मांस है, अभी भी कुछ सफाई बाकी है। तो क्या उस फ्रीजर में मुर्गी है? हाँ। तुमने उसे मारा है? नहीं, कुछ लड़के इस लॉज का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने मारा है। मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन वो जवान लड़के थे, बदमाश। उन्हें नहीं पता था कि ये शिकार का मौसम नहीं है। मैंने उन्हें बड़ा सा भाषण दिया और आखिर मुझे खाना पड़ा। ये लो। सीखना चाहती हूँ, गिटार कैसा रहेगा? मैं तुम्हें गिटार बजाना सिखा सकता हूँ। तुम मेरे ही बैंड में रह सकती हो अगर कभी बना तो। और मैं तुम्हें किकबॉक्सिंग सिखाती अगर मुझे आता होता तो। हम किकबॉक्सिंग करने वाले म्यूजिशियंस होते, कुछ अलग होता ना। या हमारी ऑडियंस को सोने नहीं देते। तुम ठीक हो ना? तुम खुश तो हो ना मुझसे? हाँ पागल। ओह नो। लगता है काफी एंजॉय कर रहे हो दोनों। तुम्हें चाहिए? नो थैंक्स। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं अगर हम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को इस वीकेंड जितने मजे करने करो। काफी सुंदर जगह है। मैं आज रात बाहर रुकने वाला हूँ, तो सुबह आकर बाकी की तैयारियां कर दूंगा। थैंक्स हेनरी। थैंक यू। भांडा फूट गया हमारा।
माइकल, चलो शुरू करते हैं। ये लो जूलिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वेल थैंक यू। यस मैडम। यप, ये हुई ना बात। मेरे पास आओ ना। यही तो हूँ। तो बंद करो ये सब। एक मिनट। बाहों में आ जाओ। वाकई तुम्हें एक बार और करना है? तुमने मेरा फोन देखा? जरा मुझसे प्यारी प्यारी बातें करो। मजाक मत करो, वो हमेशा मेरे पर्स में होता है, लेकिन अब नहीं है। तुमने लिया था? मेरे पास अपना फोन है जूलिया। ओके, लेकिन क्या तुमने कहीं देखा? नहीं। माइकल, हेनरी के बारे में तुम्हें क्या लगता है? ठीक है बंदा, उसके सामने हमारा भांडा फूट गया। लेकिन तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वो अकेला यहाँ रहता है? क्या? मेरा मतलब, उसकी ना ही बीवी है ना कोई गर्लफ्रेंड, अच्छा खासा यंग दिखता है और 35 साल का होगा सिर्फ, और एकदम अकेला, उसके पास कुत्ता भी नहीं है। उसे अकेले रहना कहते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये। लेकिन बहुत अजीब है। नींद नहीं आ रही? नहीं, बर्ड्स की आवाजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। स्ट्राइप्स? अच्छा था ना? तुम खेलना चाहोगे? मेरा मूड मत बनाओ। मिस कर दिया मैंने। क्या तुम उसे खेलने वाली हो? हाँ। ठीक है, ट्राई करो। ये ज्यादा नजदीक है। हाँ, लेकिन यहां से उसे मारने में मजा आएगा। तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, बस मैं यहाँ खेलने आया हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए उस बारे में सोचना बंद करोगी? बदमाश लड़की। रुको तुम अभी। रुको। तुम बहुत बुरी लड़की हो जूलिया, अब तुम्हें सजा मिलने वाली है।
जूलिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुमने देखा उसे? किसे? क्या तुमने उस लड़की को देखा? खिड़की के पास थी, उसका चेहरा बहुत डरावना था। तुमने किसी लड़की को देखा? हाँ, लगता है उसे चोट लग गई है। जूलिया वहाँ कोई नहीं है। वो तुम्हारा वहम होगा जूलिया, कोई नहीं है। नहीं नहीं माइकल, मैं कह रही हूँ ना, मैंने उस लड़की को खिड़की के पास देखा था, उसके पूरे शरीर पर खून जैसा कुछ था और लगता है उसे चोट लगी थी। जूलिया देखो, मैंने कहा ना वहाँ कोई नहीं है। माइकल मैं जानती हूँ मैंने जो देखा, मेरा यकीन करो। ठीक है कोई बात नहीं, चलो मिलकर ढूंढते हैं उसे। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। यकीन मानो वो यहीं खड़ी थी। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, कोई अंदर कैसे आ सकता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। क्या पहना था उसने? पता नहीं। तो ये बताओ कि उसके बालों का रंग कैसा था? ब्राउन या ब्लॉन्ड, पता नहीं। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं सच में। क्योंकि तुम हमेशा ऐसा करती हो। देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमें किसी को बुलाना चाहिए, हेनरी या पुलिस को। हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। तो उस लड़की का क्या होगा? देखो मैं भी बहुत नशा करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से बहकता नहीं हूँ। देखो वहाँ कोई लड़की होती और उसे मदद चाहिए होती तो वो भागती क्यों? समझ गई? शायद, पर पता नहीं। तुम जानती हो तुमने उस लड़की का बहाना बनाया है ना, ताकि तुम मेरे नजदीक आने से बच सको। क्यों जूलिया, सही कहा ना मैंने? तुम कैसी बातें कर रहे हो माइकल, अगर मेरा मन करता तो मैं तुम्हें खुद ही बता देती, और बल्कि मुझे तुम्हें बताने में मजा आता। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम जरा शांत हो जाओ प्लीज, तुम कभी भी बहुत डरावनी बन जाती हो। ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा, समझे तुम वो कितना डरावना था? मेरा मतलब ये जगह कितनी डरावनी लगती है। और हेनरी का क्या? मैं कुछ समझा नहीं, वो तो बस एक इंसान है जो सिगरेट पीना जानता है और कुछ नहीं। वो अपने गैराज में मुर्गी काटता है। तो तुम ही बताओ वो उसे कहाँ काटेगा, अपने बेडरूम में? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। सोने से पहले ड्रिंक लेना चाहोगी? जूलिया,
माइकल, सॉरी। कहाँ थे तुम? मैंने बस म्यूजिक सुना तो। म्यूजिक? क्या मतलब है तुम्हारा म्यूजिक? कुछ बहुत पुराना गाना था, चिंता मत करो, अलार्म क्लॉक थी। कमाल है माइकल, मैंने तो कोई अलार्म नहीं लगाया था, क्या तुमने? नहीं, शायद हमसे पहले जो रहते थे उन्होंने लगाया होगा। अलार्म क्लॉक्स ऐसे नहीं बज सकते। बज सकते हैं, सारे अलार्म ऐसे ही तो होते हैं जूलिया, अब इसमें अजीब क्या है? देखो अभी हमें यहाँ आए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अगर उसके बाद वो बजते तो कोई बात होती, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने किसी को भी आसपास नहीं देखा। चलो सो जाओ। देखो हम लोग अब भी जिंदा हैं। मैंने ब्रश भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। देखो कितनी स्मेल आ रही है, जाकर ब्रश करो। ठीक है जैसा तुम कहो। और गागल भी करना। हाँ समझ गया। नाश्ता भी बना देना। ओके। इन 3 सालों में तुम काफी बदल गए हो, है ना? हाँ सही कहा। क्या कर रही हो? मुझे लगा कोई सांप है। अरे नहीं, मैं हूँ, सांप नहीं। ठीक है, नहीं होगा। अरे लगता है कोई अटक गया है। कुछ मिला क्या? कुछ खास नहीं। क्या किसी ने चुरा लिया? पता नहीं। अरे वाह, ये क्या है? वॉलेट है, बिना पैसों का। माइकल यहाँ आकर जरा ये तो देखो, यहाँ खून लगा है। माइकल मुझे ये सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। हेनरी पार्कर। मुझे दिखाओ। ये हमारा हेनरी नहीं है, हमारे हेनरी का नाम तो हार्पर है, पार्कर नहीं। क्या हुआ? ये काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा? मैं ऊपर जाकर कॉल करता हूँ, मेरा फोन रूम में रखा है। यहाँ कैसे होगा, हम यहाँ तो आए ही नहीं थे। नहीं हम आए तो थे,
कल रात ही हम सारे कमरों में गए थे। क्या? अंदर है क्या? पता नहीं, कल रात तो ये दरवाजा बंद था। क्या? हाँ, जब मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया था तब ये दरवाजा लॉक था, लेकिन जब मैं अलार्म बंद करने आया था तब ये खुला हुआ था। तुम पहले ही डरी हुई थी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। ओह गॉड माइकल, ये क्या हो रहा है? पता नहीं। अरे ये क्या? क्या माइकल? क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, ये कौन है? तुम यहाँ अंदर कैसे आई और तुम्हारा सामान कहाँ है? ये वही लड़की है जिसे मैंने रात देखा था। जवाब दो, मैंने कहा तुम्हारा सामान कहाँ है? बस करो, ये डर रही है। तुम्हारे मॉम और डैड यहाँ है क्या? या तुम उनसे बिछड़ गई हो? कुछ तो बोलो। किसी ने तुम्हें मारा? इस पिक्चर को देखो, क्या ये तुम्हारे पापा है? माइकल स्टॉप इट। इसे देखो और बताओ, क्या हेनरी हार्पर या पार्कर जो भी है, क्या ये तुम्हारे पापा है? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हे, तुम दोनों ऊपर हो क्या? अरे यार माइकल चलो, क्या हो गया इसे? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्या मुसीबत है यार? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, रेडियो बंद हो गया। माइकल प्लीज बाहर मत जाओ। तुम बस दरवाजे बंद रखना और उधर नजर रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए। माइकल देखो, हम यहाँ से भाग चलेंगे, हम वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। हम बाहर जाकर लिफ्ट ले सकते हैं। मुझे गाड़ी ठीक करनी होगी। अब बस शांत हो जाओ और बाहर नजर रखना, उसे नहीं पता है कि हम सब जान गए हैं। वायर्स कटे हुए हैं। क्या? ये उसने जानबूझकर किया होगा। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, प्लान बी, हम रोड तक जाएंगे और वहां से लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। माइकल नहीं, ओह माय गॉड। कार का रिमोट उसके पास है। माइकल दरवाजा मत खोलो। हे, तुम रिमोट अंदर ही भूल आए थे। माइकल, माइकल दरवाजा मत खोलना। हे, तुम्हें रिमोट चाहिए तो दरवाजा खोलो। जूलिया भागो, रोड की तरफ भागो। नहीं, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुमने देखा उसे? जूलिया जल्दी करो, भाग कर रोड तक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी माइकल। करो, भाग। नहीं, आराम से वरना चोट लग जाएगी। ठीक है, और ऊपर मैं तुम्हारे लिए फिर आऊंगा, तब तक बस देखते जाओ मैं तुम्हारी जूलिया का क्या हाल करता हूं। मैं मजाक नहीं करता। Oh.
अब मजे करो। जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। ये सिर्फ वाइन है। मार खाना चाहती हो क्या? बोला ना चुप। सॉरी, I'm sorry, I'm sorry. हेनरी, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, कुछ भी। मेरा नाम हेनरी नहीं है। लॉज का मालिक कहाँ है? मैं ही हूँ। क्या क्या ये? तुम बस चुप रहो। हेनरी, मैंने तुम्हें कहा था मेरा नाम हेनरी नहीं है। क्या है तुम्हारा नाम? मैं किस नाम से तुम्हें बुलाऊं? माइकल। क्या? मैं चाहता हूं तुम मुझे माइकल बुलाओ। नहीं, तुम मुझसे जो कहती हो वो मुझसे कहो। नहीं हेनरी। मैंने तुम्हें कहा कि मेरा नाम हेनरी नहीं है। तुम्हें क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है हेनरी। चुपचाप बैठी रहो वरना और तकलीफ होगी। सुनो, इतनी जल्दी क्या है? मेरे बाद वो तुम्हारी है। नहीं, 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 नहीं।
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जूलिया है। तुम्हारा नाम क्या है? डेजी। डेजी, क्या तुम मुझे खोल सकती हो? डेजी प्लीज, क्या वो आदमी तुम्हारे डैड है? डेजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, देखो प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ वो कहाँ से लाया है। अगर तुम मुझे खोल दोगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो सारी चीजें। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, बस मुझे खोल दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। प्लीज खोल दो मुझे डेजी, तुम्हें ले जाऊंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। गैराज में एक फिशिंग बॉक्स है, टैकल बॉक्स है और वर्क बेंच के पीछे छुपाया है। सही है डेजी, सही है, मुझे खोल दो। हे, क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और है अभी। और सुनो। क्या रेजिनल्ड? यहाँ मुझे उस नाम से मत पुकारो, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हें कोई मदद चाहिए? चलो जाओ फिर।
जब तुम्हारा काम हो जाए तब मुझे जगा देना। तुम्हें मेरी जरूरत है ना जूलिया? तुम ये ठीक नहीं कर रही। रुक जाओ प्लीज। तुम क्या चाहती हो मैं इसकी भरपाई कैसे करूं? उसे मार डालूंगी।
माइकल, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं पर हो। चलो माइकल, अब हमारे बीच कुछ कॉमन है। मेरा मतलब है जूलिया, वो बहुत कमाल की है। जाने दो मुझे, वरना क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? अगर मैं मंडे को काम पर नहीं पहुंचा तो वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। ओ, तुम्हें ऐसा लगता है? और यहाँ पर बहुत से सबूत हैं हेनरी। मेरा नाम हेनरी नहीं है। क्या क्या? इसलिए मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ये जगह मैंने बस ऐसी मांगी थी मजे करने के लिए, और अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है, समझ गए? और मुझे पिछले 16 सालों से कोई नहीं पकड़ पाया। Come on! तुम्हारे दोस्त का एक हिस्सा भी है हेनरी। ओह, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया, ये मेरी बेटी ने किया है। उसे ज्यादा तहजीब वाला पसंद है, उसे हमेशा ऐसे ही पसंद आता है, और मुझे ऐसे ही पसंद है। तुम्हारे पास बस यही है? अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे गंदे इंसान। माइकल, मैंने किसी का खून कर दिया, मैंने किसी को मार डाला। नहीं, कोई बात नहीं,
वरना वो हम दोनों को मार डालता। उसकी कार की चाबियां ढूंढनी होगी यहां से निकलने के लिए। ठीक है, वो लड़की आ गई तो? देखो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों उसे संभाल लेंगे। ठीक है। मुझे चाबियां दिख रही हैं। क्या वो लड़की दिखी तुम्हें? नहीं, यहां तो नहीं है। साइड डोर से चलते हैं। अब क्या करें? गैराज से एक रास्ता निकलता है, गेम रूम की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, याद है? माइकल, क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे थोड़ी देर बैठना है। ओके, मैं दरवाजा चेक करके आती हूँ। ओके, ठीक है, सिर्फ थोड़ी दूर है, देखते हैं खुला है या नहीं। माइकल, हम निकलने वाले हैं, चाबी अंदर है, मैं जल्दी जाकर लाती हूँ। ओके, Oh!
क्या ये मर गई? मुझे नहीं पता। माइकल ने इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? हमें बस यहां से निकलना चाहिए। मैं चाबियां लेकर आता हूं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम गाड़ी चला सकोगे ना? माइकल, तुम मुझे यहां लेकर ही क्यों आए?